हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। आज फिल्म टीनेजर लव स्टोरी की शूटिंग चल रही है, जिसके डायरेक्टर है ब्रजभूषण जी। इनके साथ मैंने बहुत पहले एक फिल्म की थी देवता, ये मेरी दूसरी फिल्म है। और बड़ी आज की युवा पीढ़ी को ध्यान में रख के एक अच्छी फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें एक स्टोरी है प्रॉपर, किरदार भी सभी अच्छे हैं, बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज कलाकार हैं, अनूप अरोड़ा जी, माया यादव जी, मैं हूँ, और हमारे हीरो हैं भारत गांधी, जोया खान हीरोइन है फिल्म की। जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब ब्रज जी चूँकि बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, इनकी फिल्मों में हमेशा कहानी की बड़ी प्रधानता होती है। बहुत इनकी कहानियाँ अक्सर से मैं शिकायत करता हूँ कि भोजपुरी में भोजपुरी की कहानी गायब है। ब्रज जी की फिल्मों में आपको कहानियाँ मिलती हैं। इस फिल्म में भी एक स्टोरी है जो आपको, कहानी तो नहीं डिस्क्लोज करूँगा, लेकिन हाँ इतना वादा है कि फिल्म आपको रुला देगी और हंसाएगी भी और एक रोमांच भी पैदा करेगी। इस फिल्म में मैं हीरोइन का फादर बना हूँ, लेकिन ऐसा विलेन नहीं कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स है किरदार में ये, बट यादगार है मेरे लिए, अब तक का एक डिफरेंट किरदार है। अभी उनके साथ मेरा सीन हुआ नहीं है, लेकिन अभी मेरी बातचीत हुई उनसे, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है, मिलियन में फॉलोवर्स हैं उनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, जिसका बेनिफिट मिलेगा हमारी फिल्म को, क्योंकि आज का यूथ सोशल मीडिया से बहुत जुड़ा है। तो अगर सोशल मीडिया का इतना बड़ा एक स्टार हमारी फिल्म में है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा भोजपुरी को मिलेगा, इसका फ़ायदा इस फिल्म को मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक सीनियर डायरेक्टर नए एक्टरों को चांस दे रहा है, उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है, और मुझे लगता है कि आज ब्रज जी जितने सीनियर हैं, उनके समकक्ष का कोई भी निर्देशक आज काम नहीं कर रहा है। ब्रज जी कई सालों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड में भी रहे हैं, उनके अंदर की ऊर्जा, एनर्जी और पॉजिटिविटी, सच में हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हाँ, नए के साथ थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, पर उनकी ऊर्जा कमाल होती है, उनके अंदर सीखने की इच्छा होती है, और मुझे किसी को कॉपरेट करने में या को अगर कोई कुछ पूछता है तो उसे बताने में कभी परहेज नहीं रहा। मैं सीन बेहतर बनाने के लिए उनको पूरा सपोर्ट करता हूँ, और मुझे लगता है सारे नए एक्टर्स मेरे साथ कम्फर्टेबल होते हैं। पहली बार तो बिग बॉस पूरा देख रहा हूँ, 13वां है ये। कुछ एपिसोड्स जब दिनेश जी के आए थे तब देखे थे, उसके पहले मैंने ऐसे चलते चलते एक आधा एपिसोड देख लिया तो देखा हो। इस बार मैं लगभग 2 हफ्ते से, जब से खेसारी जी एंटर किए हैं, जितने भी दिन हुए उनको, मैं रेगुलर देख रहा हूँ। पहली बार तो मैंने वोट डाला खेसारी जी के फेवर में, के बाद भोजपुरी के सम्मान किए बॉस, मेरी पूरी फैमिली देख रही है, मेरे घर से 3 वोट पड़े हैं खेसारी जी को, और मैं चाहता हूँ कि खेसारी जी अच्छा खेलें, और बाकी तो बवाल ही होता रहता है वहाँ पे, ऐसा लगता है कि पड़ोस के घर का झगड़ा हम अपनी खिड़की से बैठ के देख रहे हैं। नहीं, दरअसल हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, पर पर्टिकुलर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 24 घंटे जो करते हैं वो एडिट होके 1 घंटे आता है, तो ऐसा तो नहीं है। खेसारी जी तो बहुत बातूनी आदमी है, बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, सेट पे माहौल रहते हैं, इतना अच्छा रखते हैं, मैंने उनके साथ लगभग बहुत सारी फिल्में की, तो खेसारी लाल चुप रहने वाले इंसान तो है नहीं। हाँ,
ये हो सकता है कि कुछ दिन वो माहौल को ना समझ पा रहे हो, कंफर्टेबल ना हो पा रहे हो, क्योंकि एक अलग और का माहौल है वहाँ पे। लेकिन ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि 24 घंटे में खेसारी लाल कुछ ना बोल रहे हैं। 24 घंटे का एक घंटे में एडिट होके आता है, तो आप बताइए कि अब ये तो एडिटर या कलर चैनल जानता कि कहाँ एडिट करके क्या दिखाना है। तो आई डोंट बिलीव कि खेसारी जी बोलते नहीं होंगे। अब वो दिखा रहे हैं, गुरु बंदा बोलता तो होगा, भोजपुरिया शान है वो। हंगामा मचा दिया होता, अभी तक बाजा फाड़ दिया होता मैं। ये जो भोजपुरी और इनको ये जो हाँ दो ही काम करता है सिद्धार्थ शुक्ला, या तो सोता है या लड़ता है, कुछ क्रिएटिव या कुछ ऐसा तो उसको देखा नहीं बंदे को जो हाय हाय तौबा मचा रखे हैं सिद्धार्थ शुक्ला की। मैं जब से देख रहा हूँ एपिसोड, सिद्धार्थ शुक्ला या तो सोते हुए दिखते हैं मुझे या मुझे लड़ते हुए दिखते हैं बस। खेसारी बाबू तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, टास्क वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो। कल सलमान जी ने भी बोला कि आपने टास्क बहुत अच्छे से खेला। मैं खेसारी जी को बोलूंगा, बॉस बहुत हुआ सम्मान, अब आ जाओ गुरु है, हाँ अब आ जाओ मैदान पे, दिखा दो कि जब यूपी और बिहार का शेर दहाड़ता है ना तो हिलता है जमाना। वो एपिसोड मैंने नहीं देखा, हाँ नहीं वो एपिसोड में नहीं है। नहीं किसी के बारे में व्यक्तिगत बोलने का तो मैं कभी पक्षधर नहीं रहा, चाहे खेसारी जी हो कोई हो। मुझे लगता है बातें करने के लिए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसी बातें जिनसे किसी का अपमान हो, किसी का दिल दुखे, मुझे लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और अभी जो सीरियल चल रहा है उस बारे में बताएंगे? सर सुपर हिट सीरियल, यूपी बिहार की पब्लिक बहुत देख रही है, 1.3 TRP है, जो कि 7 बजे के स्लॉट में बहुत मुश्किल होता है, उसको डेड स्लॉट कहा जाता है। मैं तो अभी टीवी में घुसा तो ये सब भाषाएं सीख रहा हूँ कि किसको क्या बोला जाता है। और पिछले जब से स्टार्ट हुआ 1.3 से स्टार्ट हुआ और अभी भी स्लॉट लीडर है। स्लॉट लीडर मीन्स कि 7 बजे जितने चैनलों में शो आते हैं उन सब में नंबर वन है विद्या। आप जब से कहे हैं काफी YouTube बिहार के दर्शक जुड़ गए हैं। हाँ मतलब जो मेरी वही ऑडियंस है वो देख रहे हैं मुझे, उनको अच्छा लग रहा है। शुरू में लोगों ने कहा कि बहुत बाल वाल बूढ़े होके आए हैं, लेकिन अब ऑडियंस को आदत पड़ गई मुझे उसी गेटअप में देखने की, लोग पसंद कर रहे हैं। आज जो शूटिंग हो रही है उस फिल्म का नाम है टीन एजर लव स्टोरी, ये भोजपुरी में बन रही है, भले टाइटल इंग्लिश है लेकिन भोजपुरी में बन रही है फिल्म। और ये फिल्म जो है सो आज हीरोइन का ये मकान है, हीरोइन का बंगला है, संजय पांडे जी हीरोइन के फादर हैं और भारत गांधी जो हीरो हैं इस फिल्म के। तो अभी हीरोइन के बंगले की कहानी जो भी घटनाएं यहाँ हुई हैं वो शुरू शूट कर रहे हैं। हीरो का बंगला तो रिच है, वो भी एक मिनिस्टर का लड़का है, और हीरोइन हमारी बहुत बड़े ठेकेदार, शहर का सबसे बड़ा बिल्डर का मकान है, तो नेचुरली लेवी सोनाई चाहिए। और ऐसे भी भोजपुरी अब तो झोपड़े में बनती नहीं है, तो अब भोजपुरी भी काफ़ी प्रगति कर गई है और ग्लॉसीनेस आ गया है, तो इस तरह से हम लोगों ने भी मेंटेन किया है कि ग्लॉसीनेस दिखे फिल्म में। आज सीन एक्चुअली है कि इनकी सास जो हैं पुष्पा वर्मा जी, संजय पांडे जी की, वो आ गई हैं और इन्हें चैलेंज कर गई हैं। जो इनकी पत्नी का जो जलमरी है, जो घटना हुई है उस पे वो क्लेम कर रही हैं कि जल नहीं मरी है बल्कि आपने जला डाला है उसे, तो इस बात का भी केस चलेगा और इस तरह की बातें हैं सब कुछ, तो आज वो चैलेंज करके गई हैं। इसमें हैं माया यादव हैं, अनु परोड़ा हैं, मतलब हीरो साइड से, इधर संजय पांडे जी हैं, ये हैं, और उसके बाद अनिल धवन भी हैं। कैरेक्टर आर्टिस्ट सारे अच्छे बड़े जो जमे हुए लोग हैं वो लोग ही हैं। अयाज खान हैं इस फिल्म में मेन विलन, और बाकी हमारा लड़का लड़की नए हैं, भारत गांधी और जोया खान। ये कुछ 22-25 दिन में कंप्लीट हो जाएगी फिल्म। शूटिंग सब बॉम्बे में है,
और हम लोग चाह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे पे हमारी प्रोड्यूसर प्रगति सिन्हा जी हैं, तो उनका विचार है कि चूंकि लव स्टोरी है तो वैलेंटाइन डे पे सारे यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को एक गिफ्ट के तौर पे फिल्म दिया जाए ताकि वो लोग अपने अपने फियांसों के साथ देख सकें। त्रिलोकी जी सपोर्ट नहीं क्यों करेंगे, उल्टा करते हैं, तभी तो हमारे साथ, हम समझते हैं 10-12वीं ही फिल्म होगी ये, हमारे 25-26 फिल्म में 12-13 फिल्मों में यही रहे हैं ज़्यादातर डीओपी, और बहुत सारा कोऑपरेशन है, और दूसरा आँखों का इशारा समझने लगे हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम बोलना ही चाहते हैं तब तक समझ जाते हैं कि क्या कहने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि बात भी आँखों का ही है ना, प्यार भी जो होता है आँखों से ही होता है, तो यहाँ वर्क भी आँखों से ही चल रहा है, इसीलिए आप देख रहे होइएगा सेट पे ज़्यादा चिलम चिल्ली नहीं है, वरना जाइएगा तो अक्सर भोजपुरी फिल्मों में देखिएगा मच्छी बाजार की तरह सब काय कच कच करते रहते हैं, तो हमारे यहाँ बिल्कुल शांति है, बड़े शांति से काम होती है जी। नए कलाकारों को एक तो थोड़ी तैयारी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आईना में मुंह देखा और सोच लिया कि हीरो बनना है या हीरोइन बनना है, तो अभी हीरो के क्या रिक्वायरमेंट हैं, बॉडी, खान पान, अपने बॉडी लैंग्वेज, इन सब बातों पे ध्यान दें और थोड़ा काम करें सिंसियरली, पंक्चुअलिटी रहनी चाहिए, पेशेंस अलग होना चाहिए, क्योंकि फिल्म लाइन सबसे बड़ा यहाँ का धैर्य लक्ष्मी जो है, नवलक्ष्मी होती हैं उसमें सबसे पहले धैर्य लक्ष्मी को पकड़ना चाहिए, जिसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, बाकी कोई भी लक्ष्मी ऐसे पकड़ में नहीं आती है, तो धैर्य लक्ष्मी पहला पकड़ ले, बाद में नवो लक्ष्मी पकड़ा जाती है। बहुत बढ़िया, ये टीनेजर लव स्टोरी की शूटिंग चल रही है और पहली बार जो है ना मुझे लव स्टोरी याद आ गई। हाँ, हमारे उम्र की नहीं, सभी लोगों की उम्र की लव स्टोरी है, और हर के जीवन में ये सब चीज़ आता है, और ये फिल्म देख के तो सबको लगेगा कि हाँ, जो बूढ़े लोग हैं उनको बहुत मज़ा आएगा, हमारे की उम्र के हैं नियमान। देखिए, प्यार के मामले में कोई बूढ़ा नहीं होता है, उम्र बूढ़ा हो सकता है, प्यार बूढ़ा होता ही नहीं। ब्रज जी के साथ अगर काम करना है तो आदमी ऑनेस्ट होना चाहिए, नंबर वन, मेहनती होना चाहिए नंबर दो, और उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए काम कर, तो उनके साथ काम कर सकता, चाहे नया ही क्यों ना हो। जो भारत है, भारत गांधी बहुत अच्छा इनोसेंट है, जो हमारे लव स्टोरी के लिए बिल्कुल 100% प्रॉपर है। हीरोइन जो है वो भी जैसा हम लोगों को चाहिए था, यानी ब्रज जी को चाहिए, स्टोरी में चाहिए, उस हिसाब से जोया खान भी है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों की का रोमांस जो है चढ़ बढ़ के भोजपुरी फिल्म में एक नया करिश्मा दिखाएगा। फिल्म में तो बहुत कलाकार हैं, जैसे संजय पांडे, प्रेमा किरण, पुष्पा वर्मा और रवि किशन भी गेस्ट रेफरेंस में आने वाले हैं, तो इस तरह से हैं सब, बहुत से कलाकार हैं, पुराने भी हैं और कुछ नए भी हैं। आप इसे डीओपी हैं, हर फिल्म कई काफी फिल्में किए हैं, अभी के कैमरा में और पहले कैमरा में क्या अंतर था, आसान हो गया है? नहीं, पहले जो कैमरा था वो प्रॉपर होता था, हर चीज़ सेट रहता था, आज जो डिजिटल है ना इसमें सबका कलरवेशन ख़राब होता है, मतलब अलग अलग होता है, चार कैमरा लगाओ चारों का अलग अलग रिजल्ट आएगा, और जो पहले जो था चार कैमरा लगाओ नेगेटिव एक ही होती थी तो रिजल्ट एक ही आता था। और फिल्म भोजपुरी को
आजकल की जो वेब सीरीज बन रही है सबसे ज्यादा ट्रिपल एक्स साइज क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। रावण कितना दिन तक चलेगा? अंत उसका है, राम का अंत नहीं है। तो अश्लीलता लोगों को पसंद नहीं है, और उनमें अगर पसंद है तो 10-20% लोग ही हैं। तो अश्लीलता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए, उससे पूरा हमारा कल्चर, हमारा समाज सब खराब होता है। टीनेजर लव स्टोरी के लिए कुछ संदेश देंगे टीनेजर लड़कों को? भाई हम तो इसमें टीनेजर लव स्टोरी बता रहे हैं, बाकी लोग इस तरह का ना करें। मेरा नाम प्रगति धीरा सिन्हा है। नमस्ते, जी ये भोजपुरी की मेरी पहली फिल्म है और ये टीनेजर लव स्टोरी है, नाम भी उसका वही रखा है। नए नए बच्चों की ये कहानी है जो टीनेजर से गुजरते हैं और मन के अंदर जो उथल पुथल चलती है और रिश्ते बन जाते हैं और उसका अंजाम क्या होता है, कई बार समाज उस चीज़ को स्वीकार करता है कई नहीं करता है, तो उन सब चीज़ों को एक स्टोरी के माध्यम से, एक अच्छी कहानी मेरे सामने आई तो उसके माध्यम से पिक्चर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कहानी आपके लाइफ की तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टर ब्रजभूषण जी आपने लिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी ब्रजभूषण जी और हमारा जब परिचय हुआ तो मैंने तब सोचा भी नहीं था प्रोडक्शन भोजपुरी पिक्चर का मैं करूँगी, बट उन्होंने ये मुझे स्टोरी बताई और मुझे स्टोरी भी अच्छी लगी है, और चूँकि उनका काम मैं ऑलरेडी देख चुकी थी मुझे पता था वो बहुत संजीदा डायरेक्टर हैं और एक पारिवारिक फिल्म बहुत अच्छी तरह से लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं, तो मुझे इस तरह भोजपुरी में आना ज़्यादा अच्छा लगा कि इस तरह मैं कदम रखूँ इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मुझे इससे बेटर ऑप्शन और कुछ नहीं लगा। जोया खान जो नई लड़की है और भारत गांधी जो यूट्यूबर है बहुत फेमस है वो मुख्य कलाकार है, साथ में उनके माता पिता के रोल में जो है वो माया यादव जी है, संजय पांडे जी है, उसके बाद और भी है प्रेमा किरण जी है, ये सारे कलाकार है जो इस इंडस्ट्री के मंजे हुए कलाकार हैं, वो सारे इनके साथ हैं। हाँ हाँ देखी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, और जब से बनाने की सोची और पिछले 7-8 महीने से जो काम चल रहा है, हाँ इस दौरान ज़रूर मैंने काफ़ी पिक्चर देखी, पहले थोड़ी कम देखती थी बट वो भाषा की जो मिठास है वो अच्छी लगती थी, अपनापन लगता था क्योंकि हम है तो वहीं से ना, कई सालों से मुंबई में है, एक टच सा छूट गया था जो वापस हमने पकड़ लिया इसके माध्यम से। जी गोरखपुर से हैं। गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर के सांसद अभी रवि किशन जी हैं। हाँ जी। नाम सुना होगा आपने? हाँ जी हाँ। हाँ जी वो बहुत ही अच्छे कलाकार है, उम्दा कलाकार है। तो पैरवी करवाना है तो वीडियो में बोलूंगी। जी उनको बोलूंगी, जैसे आप बहुत बड़े स्टार हैं आप सपोर्ट कीजिए हमें कि हमारी भी पिक्चर एक अच्छे लेवल में जाए और भोजपुरी को कोई एक नया आयाम दे सके, पारिवारिक पिक्चरें वापस लोगों में पॉपुलर हो सके। रवि जी ने कहा है कि भोजपुरी के वेलकम में गोरखपुर की शूटिंग करिए, आप गोरखपुर वहां पे शूट करेंगे? हाँ सोचा जरूर है, इस पिक्चर को तो अभी हम यहीं पे शूट कर रहे हैं बट आगे हम गोरखपुर में जाने की सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे लगभग तैयारी है कि हमें आगे भी अपने ही एरिया में जाके काम करना है। फिल्म के गाने पर कितना ध्यान दिया है, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है इसमें? फिल्म के गाने इस पिक्चर का प्लस पॉइंट है, बहुत ही मधुर संगीत है, बोल बहुत अच्छे हैं और इतना अच्छा लिखने वाले, म्यूजिक देने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा नाम है वो है विनय बिहारी जी का, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमसे जुड़े हैं, हम नए होने के बाद भी हमसे जुड़े और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। सिनेमा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? ब्रिज बिहारी जी ने और ब्रिजभूषण जी ने। घर में कोई मेंबर? किस बारे में? फिल्म बनाने में सपोर्ट करने के लिए घर में कोई मेंबर ने सपोर्ट किया आपका? घर से तो सपोर्ट मिलेगा ही, हमारे पति है जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट तो पहले उन्होंने किया जो तैयार हो गए, हमारी एक इच्छा थी कि फिल्में बनाए और उन्होंने उस चीज़ में हमारी पूरी मदद की है और उन्हीं के द्वारा हमारी मुलाकात ब्रजभूषण जी से हुई थी। कैसा लग रहा है? हाँ शेड्यूल तो बहुत अच्छा है, काफ़ी कुछ शूट हो चुका है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमको क्रू मेंबर्स भी बहुत अच्छे मिले, हमसे हमारे साथ जो भी जुड़ते चले गए हम जैसे ही लोग हैं जो सपने लेकर चलते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बात नहीं मानता है? नहीं वो तो गलत हो जाएगा, पर शूटिंग खत्म तो होने दीजिए पंगा नहीं लेना किसी से
आज मेरा कोई ज़्यादा कुछ खास रोल है नहीं, आज बाकी यूनिट लगी है और शूटिंग में मैं सिर्फ मज़े कर रहा हूँ, शूटिंग देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है काफ़ी। आज नए किरदारों से मिला मैं, जो हमारी मूवी की जो हीरोइन है उनके पिताजी से, जो उनके मैंने हैं संजय पांडे जी, और भी उनकी आया माँ, और भी लोग हैं चल रहे हैं अभी। मेरा जो हमारी हीरोइन ही है उनका जो बचपन है जिसका शूट हो रहा है उनसे भी मिला, बहुत क्यूट बच्ची है छोटी सी जी। मैं कल बहुत सारा सीखा, कल सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक शूटिंग चला नॉन स्टॉप, और सब ब्रज जी ने ही सिखाया। मतलब ऑब्वियसली मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा से, तो भोजपुरी में थोड़ा सा हाथ तंग रहा, लेकिन ब्रज जी ने करवा ही दिया। हाँ अब आ गई थोड़ी सी अभी कल का डायलॉग बोलते हैं, एक सेकेंड अभी कल का डायलॉग बोलते हैं कि माँ का एक सीन होता है, माँ आती है, मैं डांस कर रहा होता हूँ अपने रूम में, और वो बोलती है कि कॉलेज जाने का टाइम हो गया, तो छोटा सा ही डायलॉग है, ज़्यादा मैं डायलॉग ब्रज जी ने मुझे दिए नहीं अभी, अभी आज के सीन में है, अच्छा खासा डायलॉग रहेगा तो उसमें बोलता है कि प्रैक्टिस में टाइम का ध्यान ना रहल मतलब मैं थोड़ा एक्सेंट भी सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस में टाइम का ध्यान ना रहल, अब तुरंत जाना पड़ी 11:40 का क्लास हमारा, ठीक है अभी मैं सीख जाऊंगा, मैं जल्दी सीख जाऊंगा। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं संजय जी से पहली बार मिला हूँ और उन्होंने पहले ही तारीफ किया, बहुत अच्छा लगा, सही है। तो हाँ जी बताइए, फिल्म की स्टोरी अगर आप बता दें तो आप सिनेमा में क्या देखेंगे, बट फिर भी आपको एक रफली आपको मैं बता देता हूँ, एक लव स्टोरी है टीनेजर्स की, और टीनेजर्स आजकल जो कदम उठा लेते हैं छोटा मोटा जो सही नहीं होता है, उन सबको अवेयर करने के लिए एक छोटा सा स्टोरी, बड़ा सा स्टोरी हाँ जी। अभी जोया के साथ अभी पूरा शूट, अभी क्या है कि सभी इंडिविजुअल चल रहा है, अभी मेरा जो सीन हुआ वो शूट हुआ, अभी जोया के साथ में मेरा शूटिंग शुरू नहीं हुआ है, तो अभी जैसे ही वो होता है तो हम जल्दी से आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे साथ साथ। हाँ जी, लेकिन जोया ने पहले काफ़ी काम किया हुआ है अच्छे, मतलब नामी जामी किरदारों के साथ में, जैसे जूनियर आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, तो शी नोज वेरी वेल भोजपुरी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी पहली पिक्चर है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा मैं अपना काम कर रहा हूँ, सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, ब्रांड प्रमोशंस करता हूँ, मेरे अकाउंट्स में हैंडल करता हूँ, जैसे टिकटॉक अकाउंट है अपना और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब यहाँ शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, भारत गांधी प्रोडक्शंस, ऐसे ही चलता रहता है, सही है, काइंड ऑफ छोटा मोटा। सबसे पहले मैं देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ, ये आप लोगों का प्यार है, मैं मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और बताइए, पता है आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जाने पहचाने बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ डैड के साथ, ये सरप्राइज बताऊंगी, लेकिन सरप्राइज है, लव स्टोरी है, बहुत अच्छी है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बताऊंगी, और ये 100% है कि आप लोग देखना चाहोगे, क्योंकि इसकी स्टोरी है ना सबसे हटके है, सबसे हटके। हमारी मैम है, प्रोड्यूसर मैम, हमारे सर हैं, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे हीरो जिनको भोजपुरी बोलना नहीं आता है फिर भी वो इतनी अच्छी से कोशिश कर रहे हैं, और मैं तो, मेरी फर्स्ट मूवी है नो डाउट, लेकिन मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ। आज का सीन कि मैं डैड, जैसे डैड गार्डन में है और मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, जैसे कि कॉलेज में कोई परफॉर्मेंस है तो उसके लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ बाहर, तो मैं अच्छे से तैयार होकर जा रही हूँ। हाँ ये तो है, ये तो मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ, और फर्स्ट टाइम जैसे कि इतने कम टाइम में मुझे इतना अच्छा मौका मिला, इतना अच्छा ब्रेक मिला,
तो थैंक यू सो मच, और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार दो कि मुझे आगे भी काम मिले। और मैं खुद इतनी कोशिश कर रही हूँ कि इस मूवी के बाद मुझे बहुत सारे मूवी मिले। और हमारे जो डायरेक्टर सर है ब्रशर, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और कुछ तो लगा, कुछ तो क्या ये लगा हुआ कि लड़की मेहनत कर रही है, आगे बढ़ सकती है, जो भी है, तो उन्होंने ये मुझे ब्रेक दिया। सच में क्या बात है ये। आप लोग को भी देखने मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी। हाँ, भारत के बारे में जैसे कि मैं बताई हूँ, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा है वो। और भारत के सिवा भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, जैसे संजय सर हैं और माया जी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत सीनियर हैं। वो उनकी मूवी बहुत कम से कम 100-200 बहुत सारी आई हैं, मैंने खुद देखा है। अभी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 मंथ हुए इसमें आए हुए, लेकिन इतने कम टाइम में इतना अच्छा ब्रेक मिल जाना बहुत लकी की बात है। सो मैं बहुत लकी हूँ, तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सब लोग हैं मिलके काम कर रहे हैं, और मैं तो थोड़ी सी डरी हूँ, थोड़ी सी खुश हूँ, और थोड़ी सी चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें। हाँ, संजय, जिसे मैं बोली ना, संजय सर हैं, संजय पांडे सर, वो हमारे डैड हैं इस मूवी में, तो मुझे बहुत खुशी है उनके साथ काम करके, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, अभी तक मैंने जितनी भी मूवी उनकी देखी है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब मैं मुझे पता चला ना कि इस मूवी में भी वो हैं हमारे डैड बनके, जो भी है उनका सीन ये है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत हैप्पी हूँ उनके साथ काम करके, बहुत अच्छा लगा। दर्शकों को ये कहती रहूँगी कि आप लोग इस क्या बोलते हैं, जब नहीं कुछ खास बोलना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार देते रहिए, और जब भी इसका इंटरव्यू या जो भी A to Z आप लोग देखते रहिए और लाइक करते रहिए। और अगर आप लोग ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। सो थैंक यू सो मच, बाय। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।